नमस्ते सलाम सत श्री अकाल। यारों की सफारी यूट्यूब चैनल में दिनेश मैं आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आज 23 मार्च है और आज दिल्ली गवर्नमेंट ने पूरी दिल्ली को लॉकडाउन कर दिया है। कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली ही नहीं, दूसरे राज्यों ने भी आज लॉकडाउन घोषित कर दिया है और ये 31 मार्च तक रहेगा। पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इससे सभी राज्यों की जो सीमाएँ हैं वो सारी की सारी बंद कर दी गई है, लेकिन हमारी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आती रहेगी दूसरे राज्यों से भी। हमारे खाने पीने का जो सामान है, दूध इत्यादि, सब हमें पर्याप्त मात्रा में मिलता रहेगा। एंड आप लोगों को भी थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। आप लोग अपने घरों में ही रहें, और अगर आपकी कोई ज़रूरत की चीज़ आपको लेने जाना है, जैसे दूध सब्जी वगैरह, तो आप तभी घर से बाहर निकलिए, अन्यथा आप बाहर मत जाइएगा। और यही मैं दूसरी तरफ भी कहना चाहूँगा, जो मार्केट में जो लोग अपनी शॉप ओपन करके बैठे हैं, जो लोग हमें मुहैया करा रहे हैं हमारी ज़रूरत की चीज़ें, उनके लिए भी कि वो भी अपनी सेफ्टी के लिए भी और दूसरे की सेफ्टी के लिए भी आप भी मास्क यूज़ कीजिए, और अपने आसपास के जो आपकी शॉप है, ये जगह है, उसको आप सैनिटाइज़ करके रखिए। एंड एक बहुत बड़ी यार एक प्रॉब्लम आ रही है आजकल, मैं देख रहा हूँ जब से मतलब कोरोना का ये खतरा बढ़ रहा है इंडिया के अंदर, जब से आया है, मतलब इसमें मुझे देखने को मिल रहा है कि आजकल बहुत ज़्यादा अफवाहें उड़ रही है। यार प्लीज़, ये अफवाहें उड़ाने वाले लोग क्या करना चाहते हैं समझ नहीं आ रहा। यार आप हिंदुस्तान में रहते हो, इतना बड़ा खतरा मंडरा रहा है और आप लोग अफवाहें फैला रहे हो। यार अफवाहें फैला के क्या मिलेगा आपको? आप घर में शांति से रहिए यार, एक दूसरे का उत्साह बढ़ाइए, एक दूसरे को क्या कहते हैं हिम्मत दीजिए। यार आप एक दूसरे को हिम्मत देंगे तभी तो लोग इस मुसीबत की घड़ी में एक दूसरे का क्या कहते हैं साथ देंगे और इस मुसीबत की घड़ी से बाहर निकल पाएंगे। यार तो प्लीज़ ये मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ये करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप गवर्नमेंट की नज़र से आप बच जाएंगे, आप भी धरे जाएंगे, और धरे जाएंगे तो फिर आप लंबे जाएंगे। तो प्लीज़ ये मत कीजिए, ये बेकार की चीज़ें। टाइम बहुत बुरा है, बट आपको एक टाइम जो बुरे टाइम में आपको एक ऐसा टाइम मिला है कि जिसमें आप अपने परिवार के साथ हो, तो अपने परिवार के साथ रहिए, अपने घर में और सेफ्टी के साथ रहिए। अगर आप जैसे हॉस्पिटल भी जाते हैं तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है बाहर कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आप अगर आप वहाँ जवाब देते हैं कि हम डॉक्टर के जा रहे हैं, कोई नींद की चीज़ बताते हैं, तो ये मतलब मान्य रहेगी गवर्नमेंट की तरफ से। जो हमारे दिल्ली के माननीय चीफ मिनिस्टर मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने भी ये सारी चीज़ें घोषित की है कि अब कोई भी बंदा अगर बाहर जाता है कोई ज़रूरत की चीज़ के लिए, अगर उसे पूछा जाता है कि वो हॉस्पिटल जा रहा है या किसी नीड की चीज़ के लिए जा रहा है, तो वो मान्य रहेगी, उससे ज़्यादा पूछताछ नहीं करी जाएगी। लेकिन अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करता है, तो उन्होंने कहा है कि इसके लिए भी सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। तो प्लीज़ आप लोग ये सब मत कीजिएगा, अनवांटेड अननेसेसरी आप बाहर बिल्कुल मत जाइएगा। और मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग सब इस मुसीबत घड़ी में एक दूसरे का साथ देंगे और स्वस्थ रहेंगे। मैं अब यही आपसे बस इजाज़त चाहता हूँ, इतना ही कहना चाहता हूँ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। और अगली वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। बाय बाय।